हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ 3525 के 3525 आईसी खराब या अच्छा है ये आइडेंटिफाई कैसे करें। पहले तो आपको देखना होगा कोई पिन शॉर्ट तो नहीं है ग्राउंड के साथ कोई पिन शॉर्ट नहीं है, ये आपको पहले देखना होगा। शॉर्ट होता तो होगा तो ख़राब है। और दूसरा है, यह पर्स और ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, मिडिल में जो दो ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है 337, और बाहर साइड में ये दो साइड में जो दो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये 327, ये आपको मापना है। ये शॉर्ट होता होंगे तो इस आईसी का ये आउटपुट पिन शॉर्ट दिखाएगा, ये आपको फिर मापना पड़ेगा, मीटर से टेस्ट करना पड़ेगा, चेक करके देखना पड़ेगा ट्रांजिस्टर ठीक सही है कि नहीं। उसके बाद और एक ट्रिक आपको बताऊंगा, आप इसका कपलर को शॉर्ट कर दे, कपलर के ये दो पिन आप रंग से सोल्डर से शॉर्ट करके अब इसमें बैटरी लाइन दे दे, 48 वोल्ट बैटरी लाइन दे दे। उसके बाद इसमें देखिए आउटपुट पिन यहाँ पर वोल्ट आ गया है, मेरे मीटर पर देखिए आउट पिन वोल्ट आ गया है। वो शॉर्ट करने से आईसी ऑन हो जाता है, यहाँ पर भी वोल्ट आ गया है 9 नंबर पिन में, अरे 11 नंबर पिन में आउटपुट वोल्ट आ गया है, और ये 14 नंबर पिन में भी आउटपुट वोल्टेज आ गया है। देखिए इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे आईसी सही है कि नहीं। ये आईसी बिल्कुल सही है, इसमें वोल्ट आउटपुट वोल्ट आ गया है। ये देखिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर के बेस में वोल्ट आ गया है, यहाँ पर भी वोल्ट आ गया है आउटपुट वोल्ट। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से आप ये आईसी ठीक है कि नहीं ये चेक कर सकेंगे। आपको एक कपलर का ये पिन को शॉर्ट कर देना है, उसके बाद बैटरी लाइन देना है। इसमें एसी लाइन देने का ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्ट करने से देखिए यहाँ पर परसेंटेज लाइट ब्लिंक करने लगेंगे जब ऑन होगा आईसी। एसी लाइन देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप यहाँ पर ये आईसी ठीक अच्छा है कि ख़राब है ये आप टेस्ट कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप 3525 आईसी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे खराब है कि अच्छा है। आज यही तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड बाय।